आप सभी को मेरे नमस्कार। मेरा नाम है देवत और स्वागत है आपको मेरे छोटे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप एक्साइटेड होंगे। आपकी डेट्स आ गई। कौन सी डेट्स आ गई? वो वाली डेट्स नहीं, ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ गई। एक्चुअल में कल, जैसा कि मुझसे पहले आपको पता चल गया होगा, डेफिनेटली पता चल गया होगा, मुझे कल ही पता चल गया था, बट काफ़ी रात को पता चला तो फिर मैं वीडियो बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने आज सुबह वीडियो बनाने का सोचा। डेफिनेटली आपको, आपके हाथ में डेट शीट है, आपको पता होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको लिख के दी गई हैं कि किस दिन कौन सा एग्जामिनेशन है, तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होगी। जैसे एग्ज़ाम की डेट शीट आई, एक दो बच्चों को कॉल आया मेरे पास कि भैया आप जो वीडियोज़ में आपने जो प्रॉमिस कर रखा है 1000 क्वेश्चंस का, क्या वो वहाँ तक हो पाएंगे, क्या वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे? तो डेफिनेटली हो जाएंगे, उसमें आप उस चीज़ की परेशानी, उस चीज़ का दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि लगभग हम ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट क्या मतलब, 280 हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में 300 क्वेश्चंस तक हम रीच कर जाएंगे। और अभी हमारे पास दिसंबर के अंदर एक या दो दिन है, करेक्ट। और अगर मैं बात करूँ जनवरी पूरा फरवरी लेकर मान के चलते हैं, तो हम लोग लगभग 60 दिन है ना। फरवरी में 28 दिन होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, बट आपका, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 27 को एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 मार्च को, क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन है मैथ्स का, वो 27 मार्च 2023 को है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है ना, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और रही बात जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो वो 1000 क्वेश्चंस जो है मेरे पास लगभग 60 दिन है, तो 60 दिन मुझे अप्रॉक्स मान के चलिए कि 710 से 720 क्वेश्चंस ऐसे कराने हैं, ठीक है, वो मैं आपके कंप्लीट कर ले जाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के भी एंड सेमेस्टर्स हैं, है ना, बाद में फिर बहुत सारा टाइम इधर मुझे शाम को कोचिंग में देना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए बहुत सारे एक साथ में कई सारे क्वेश्चंस की वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है, मैराथन क्लास लग के डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो 1000 क्वेश्चंस का जो प्रॉमिस है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, उसमें किसी तरीके का कोई दोराय, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बस मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप उसको वीडियोज़ को देख रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए, प्रिपरेशंस को आप अच्छी करिए, ठीक है, बहुत अच्छी करिए, जितना हो सके। आप अब आपके पास घूम घुमा के 2 या 2.5 महीने बचे होंगे, तो आप इस टाइम में आप क्या कर लीजिए, दबा के जितना हो सकता है आप सैंपल पेपर लगाइए, दबा के आप प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। अब आप किसी नई चीज़ के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए मत जाइए, ठीक है, कि नई बुक्स, नई चीज़ के पीछे। ये चीज़ मैंने आपको 15-20 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था, ठीक है, मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप कुछ नया मत करिए, कुछ नया मत ट्राई करिए, जितना हो सका है उतने आप एकदम अच्छे तरीके से आप पेपर दीजिए, बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए, ठीक है, क्लियर। और अपनी प्रिपरेशन को खूब बढ़िया तरीके से बनाइए, जितना आपका डिस्ट्रैक्शन है, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जब सब कुछ, जो कुछ भी आपका डिस्ट्रैक्शन है सबको किनारे करिए, अब पूरी मेहनत और पूरी लगन से आप लग जाइए, ठीक है। मैं आपको डेट शीट में कुछ अभी बता देता हूँ कि क्या क्या डेट शीट के अंदर है, मैंने अभी डाउनलोड किया था उसका PDF, तो मैं कुछ चीज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ जो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बेहतरीन लगी, एक दो चीज़ें जो उन्होंने CBSE बोर्ड ने प्रॉपर लिख के रखी है। मैं SSC से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे ज़्यादा CBSE के बारे में नॉलेज नहीं है, बट पहली बार मैंने इसको देखा, CBSE की डेट शीट देखी तो किस तरीके से उन्होंने डाला हुआ है, तो उसमें उन्होंने एक जगह पे मेंशन कर रखा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग JEE मेंस हैव बीन टेकिंग केयर वाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट फॉर क्लास 12th। तो मैंने जब क्लास 12th के जो बच्चे थे, तो कुछ बच्चे थे मेरे पास क्लास 12th के, तो मैंने उनको शुरुआत नहीं बोला था, मैंने कहा आप एक चीज़ दिमाग में ये बैठा के रखें कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम जो बनाया जाता है, जो CBSE एग्ज़ाम बनाता है, तो वो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखता है कि आप उन बच्चों के साथ बैठने वाले हैं जो बच्चे प्रॉपर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे नीट तैयारी करें, तो वो उस लेवल की मैथ्स है, उस लेवल की बायो पढ़ रहे हैं, उस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 10th का पेपर तो थोड़ा, चलिए ठीक है, 10th का पेपर उस हिसाब से नहीं बनता है, उस हिसाब से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त सारे बच्चे एक सेम फेज में होते हैं, ठीक है, एक सेम टेंजेंट पे होते हैं। बट 12th में कुछ बच्चे होते हैं जो JEE मेंस के लिए देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नीट के लिए देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो NDA देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर उनकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है, वो वैसे क्वेश्चंस करना चालू कर देते हैं और आप उनके बीच में कंपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं हम NCERT के से लगा लेते हैं, NCERT के भरोसे हम नंबर क्रैक कर लेंगे, नंबर निकाले देंगे, तो थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा नहीं होता है। 10th में आप NCERT के भरोसे चल सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना, मेरा पर्सनल ऐसा मानना कि 11th 12th में तो आप NCERT के भरोसे बिल्कुल नहीं चल सकते। NCERT के भरोसे वही बच्चे चल सकते हैं जिनका बेस बहुत मजबूत है, बेस बहुत अच्छे से क्लियर है, बिकॉज NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, क्लियर।
तो उसमें आपके प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हाँ क्वेश्चन आप लगा लेंगे, क्वेश्चन के टाइप आपको जरूर पता चल जाएंगे, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सॉरी थोड़ा सा फॉर्मल करके मैं फिर से बोल देता हूँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा होगा आपके लिए, जितना बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, जितना आप टाइम डिवोट करेंगे मैथ्स को, ठीक है, उतना अच्छा आपको मैथ्स रिजल्ट देगी देगी, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जैसा ये लिखा था और काफ़ी कुछ चीज़ें लिख रखी हैं इसमें, लिख रखा है द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज 10:30, 10:30 बजे आपका पेपर चालू हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर टाइम पे, टाइम से पहले थोड़ा सा पहुंच जाइएगा अपने सेंटर्स पे, क्लियर। और साथ ही साथ और उसने सीबीएसई ने क्या क्या बोला, सीबीएसई ने आपको गुड लक बोल रखा है, ठीक है, डेट शीट निकालने के बाद, पेपर देने के बाद आपको गुड लक बकायदा उसने बोल रखा है कि क्लास 10th एंड 12th 2023 एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत गुड लक आप सभी को, अच्छे तरीके से आप पेपर दीजिएगा। बहुत से बच्चों को तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कोविड आ गया, ठीक है, पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो कृपया करके वो थॉट्स निकाल दीजिए, ठीक है, बी रेडी, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा एक हेलोकिनेशन में मत रहिए कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में बनाइए कि हाँ ये हो सकता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इतना ऐसा ही इतना कई सारे बच्चों जो मैं पढ़ाता हूँ 10th के, तो कईयों ने तो इस मतलब ये दिमाग में ऐसा एक माइंड मेकअप कर रखा है कि नहीं कोविड बढ़ रहा है, कोविड की पीक आ जाएगी जल्दी में और फिर सारे पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें और टाइम मिल जाएगा और फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे क्लियर हो जाएंगे, है ना, फिर हमारा रिजल्ट ऐसे आ जाएगा जैसे पहले वालों का आया था, जैसे हमारे सीनियर्स का आया था। तो थोड़ा सा चांसेस कम है, हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, प्रॉपर इंडिया की 95% ज़्यादा पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है ना, तो चांसेस मेरे हिसाब से कम है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में कि कोविड का क्या होने वाला है, बट आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा 100% रखिए। आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए कि आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, डेफिनेटली पेपर देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन करिए अपनी, ठीक है, आप ये मान के चलिए आपको पेपर देना ही देना है, ठीक है। ये जो ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, कई सारे चैनल में ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मत ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ किताब उठाइए, पढ़ना चालू करिए, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़िए, चाहे आप 10th में हो या फिर चाहे आप 12th में हो, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको फटाफट, एक PDF के अंदर मैंने देखा था कुछ चीज़ें, एक और चलिए चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि किस दिन से आपके पेपर चालू हैं। अगर 10th की मैं बात करूँ तो जो 10th में अगर जो पेपर की शुरुआत ऐसे तो 15 फरवरी से है, बट वो सब पेपर आपके काम के हैं नहीं, जो मेन पेपर आपके शुरुआत हैं वो हैं आपके 27 फरवरी से। 27 फरवरी को पहला इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसे CBSE में सेम होता है, ICSE में डिफरेंट होते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है आपका, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का पेपर है 27 फरवरी 2023 को, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पेपर है आपका वो है सैटरडे 4th of March को, ठीक है, मतलब टाइम देखिए बीच में टाइम गैप है अच्छा खासा आपके पास। अगर इन टाइम जो ये टाइम गैप है ना, अगर अपना कॉन्सेप्ट आप अच्छे से एकदम रेडी रखिए, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से नोट्स वोट सब कुछ मेंटेन रखिए, और इस बीच में कुछ नया मत पढ़िएगा। मैं तो कहता हूँ कि अब से लेके कुछ और अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो इन्हीं आने वाले 15-20 दिनों में जो भी नया पढ़ना है पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप कुछ नया ना पढ़िए। आपने जो चीज़ें आपके हाथ में हैं बस आप उन चीज़ों को वापस से समेट लीजिए, फिर चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका SST हो, चाहे हिंदी हो, चाहे GS हो, कुछ भी हो, आपका XYZ कुछ भी हो, जो चीज़ें आपने कर चुके हैं बस उतने पर स्टॉप करिए। अब जितनी चीज़ें आपने कर ली उन चीज़ों को, सारे नोट्स को, सारे सैंपल्स को, सारे प्रीवियस ईयर को, उस तरीके को एकदम पूरा उसको एकदम पूरी तरीके से सॉलिड कर लीजिए, मतलब पूरा 100% कर लीजिए कि उससे एटलीस्ट आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। फिर आपका जो है 4th of March के बाद आपका जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर जो आपका है वो 11th March को संस्कृत का पेपर है। वैसे संस्कृत अगर आपकी है तो आपको पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपका जो है 13th of March को कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, जिसे IT का जिसे पेपर कहते हैं, है ना, IT, हाँ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्लियर। तो कंप्यूटर का पेपर आपका 13th of March को। नेक्स्ट थोड़ा साउंड आ रहा है तो प्लीज़ साउंड को नेगलेक्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारा साउंड होता है मेरे पास, ऐसा कोई ऐसा बोया का माइक या कोई स्टैंडर्ड माइक नहीं है, ना कि मेरा कोई स्टूडियो है ना, जहाँ पे साउंड कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, बाकी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 1st of March को सोशल साइंस का पेपर आपका SST का। नेक्स्ट 17th of March को आपका हिंदी का पेपर है, एंड देन 21st March को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। ओके, सो मैंने शायद इससे पहले वीडियो में बोल दिया था कि 27 मार्च को है आपका जो पेपर है, 21 मार्च को है मैथ का, है ना, मैथ स्टैंडर्ड है, मैथ बेसिक, तो आपका डेफिनेटली मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो पेपर है आपका है 21 मार्च 2023।
तो एटलीस्ट अगर मैं देखूँ, उससे पहले जो पेपर आपका रहा है हिंदी का वो 17 मार्च को है, 17, 18, 19, 20, मतलब 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, प्रॉपर 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन का टाइम सफिशियंट होता है, ठीक है, 3 दिन में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ट्वेल्थ की। तो ट्वेल्थ की डेट शीट आ गई, मैं पूरी डेट शीट नहीं डिस्कस करूंगा किस दिन कौन सा पेपर है, बट जो ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है ट्वेल्थ का, वो आपका पेपर जो है वो है 11th of March 2023, है ना। 11 मार्च को आपका पेपर है, सैटरडे का दिन है, बढ़िया सा शनिवार का दिन, शनि भगवान की पूजा करके जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए। और वो आपका पेपर है कब, आपका 11 मार्च 2023 को पेपर है, मतलब मान के चलिए कि आपका जो लास्ट पेपर है वो शायद बोलते हैं उसमें ट्वेल्थ का जो लास्ट पेपर है वो हिस्ट्री और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो मुझे लगता है शायद मार्च में पेपर सारे खत्म हो जा रहे हैं मुझे एक्जैक्टली, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ का एक्जैक्टली ढंग से देखा नहीं, मैं 10th की वीडियोस बना रहा हूँ, 10th पे मेरा ज़्यादा फोकस है, तो मैंने 10th की ही देखा है, ठीक है। तो बस यही सारी बातें हैं, है ना। आप फ्री हो जाएंगे, डेफिनेटली फ्री हो जाएंगे आप, उसके बाद फिर आप उस मोमेंट को सोचिए जिस वक्त सारे पेपर खत्म होंगे, आप सुकून की जिंदगी जियेंगे, क्योंकि उसका तुरंत आपके 11th तो आ जाने वाला है। उसके बाद फिर 12th की अगर बात करेंगे तो 12th में चलिए अगर आप जेई मेंस देख रहे हैं, एनडीए देख रहे हैं ना, तो आपको तो ऐसे ही पढ़ना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ से भाग नहीं सकते। बट 10th वालों के लिए मजा है, 10th वालों के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1-1.5 महीने तो पूरे पूरे मजे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 11th चालू होता है, उसके बाद एडमिशन चालू होते हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते पेपर देने के बाद, तब तक तो मजे मजे हैं, तो उस मजे को वो मजा खराब ना हो इसलिए अभी पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर पेपर देने के बाद अगर ये रियलाइज हो कि अरे यार पेपर खराब हो गए हैं, बहुत घर से सुनना पड़ेगा, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, है ना, उस हिसाब के पेपर नहीं गए, तो फिर बहुत खराब लगता है, फिर वो इन्जॉयमेंट नहीं दे पाती। तो अगर उस इन्जॉयमेंट को इन्जॉय करना है, है ना, तो अभी पढ़ लीजिए, बहुत दबा के पढ़िए, सारी डिस्ट्रैक्शन सारी कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, नींद भी छोड़ दीजिए, है ना, अगर हो सके तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोना छोड़ दीजिए, नींद लीजिए, खाइए पिए, है ना, और सिर्फ पढ़िए, सिर्फ 2-3 चीज़ें घूम घुमा करिए, बाकी सारी चीज़ों को त्याग दीजिए 2-3 महीने के लिए, उसके बाद तो फिर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐश है कि मैंने भी झेला, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ऐश है, बट हाँ 1-1.5 महीने के लिए ऐश होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि वो मैंने भी रियलाइज़ किया है ना, मैंने भी मज़े लिए, ठीक है। तो उस ऐश के बारे में सोच के अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लियर। सो बस यही सब बताना था, वीडियो देख लिए हो तो अच्छी बात है, बाकी वीडियो का रहा बात, क्योंकि आज का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लगभग मैंने 277 क्वेश्चन तक करा दिए थे, 78, 79, 80, मतलब लगभग 3-4 क्वेश्चन और कराने थे, तब मैंने सोचा था 20 तक क्वेश्चन तक करा दूंगा, बट लाइट चली गई, तो लाइट ना होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो को बंद कर दी। और रही बात जो क्वेश्चंस है, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज बोला है, तो 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, ठीक। मैं अपना पूरी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मतलब पूरी तरीके से अपना 100% दे रहा हूँ, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिए जा सके, क्योंकि मेरे पास भी कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा तो टाइम की परेशानी है, उसके बाद फिर शाम टाइम में बहुत तरह की, शाम को मैं लगातार बिजी हो जाता हूँ, तो शाम को तो वैसे मेरे पास टाइम नहीं रहता, जो भी टाइम रहता है मेरे पास सुबह टाइम रहता है, ठीक है। फिर भी मैं अपना पूरा 100% दूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, है ना, और ये 1000 क्वेश्चंस आप मान लीजिए कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस करना मतलब एक गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर 1000 क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बहुत ज़्यादा भाई पेपर कहाँ से बना लेगा आदमी, है कहाँ से एग्जामिनर्स भी कहाँ से पेपर छाट लेगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है, क्वेश्चन उन्हीं में से घूम घुमा के देगा, ठीक है। सो बस इसी नोट के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड स्टडी वेरी 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 हार्ड, ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।